नमस्कार किसान भाइयों, आलू की खेती का समय नज़दीक आ गया है और इस समय किसान भाइयों के मन में काफ़ी सारा सवाल चल रहा है कि आलू के कौन सा वैरायटी इस बार लगाए, कौन सा आलू का उन्नत किस्में लगाए जिससे हमारे खेत में काफ़ी अच्छी उपज मिल सके। और किसान भाइयों का ये क्वेश्चन सभी किसान भाइयों को रहता है, तो चलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पर आ गया है कि आलू का कौन सा उन्नत किस्में लगाए जिससे आपको 100 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार होगी और उससे भी ज़्यादा होगी। तो कौन कौन सी किस्में आपको लगाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि नंबर 5 से हम यहाँ शुरू करेंगे और नंबर 1 तक ले जाएंगे। यहाँ पर हम टॉप 5 उन्नत किस्में लेकर आए हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम 5 ऐसे किस्में के बारे में बात करेंगे जो कि टॉप लेवल का है। तो शुरू करते हैं और बताते हैं, पहले हम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों बता दी कि नंबर 5 पे आता है कुफरी अलंकार। इसकी अवधि की बात करें कितने दिनों में यह तैयार हो जाता है, तो किसान भाइयों बता दी कि 70 दिन में यह पूरे बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाता है। अगर इसकी उत्पादन की बात करें तो 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। अगर दूसरी नंबर की हम बात कर लेते हैं कि दूसरी नंबर पर कौन सी आलू की उन्नत किस्में यानी कि टॉप वैरायटियां आती है, तो दूसरे नंबर पर बता दें किसान भाइयों की कुफरी चंद्रमुखी, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये 80 से 90 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाता है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है, जो कि उत्पादन काफ़ी अच्छी है। अगर अगले नंबर की बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन सी आती है टॉप किस्में, तो किसान भाइयों बता दें कि तीसरे नंबर पर आते हैं कुफरी ज्योति। तो इसका बता दें कि कितने दिनों में तैयारी हो जाता है, तो यह 80 से 150 दिन में यह बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाता है। और इसके उत्पादन की बात करें तो 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है, जो कि उस दोनों सब बेटर था इसमें। अगली नंबर की बात कर लेते हैं चौथी नंबर पर कि कौन सी आता है, तो ये जो उन्नत किस्में हैं जो चौथी नंबर पर आपको, यानी कि उल्टी काउंटिंग करें तो दूसरी नंबर पर आएगा और पहली नंबर पर इसके बाद वाला आएगा, तो बता दें कि ये कुफरी सिंदूरी, यह काफ़ी अच्छा है। 120 से 125 दिन पर तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, जो कि उत्पादन काफ़ी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर बात कर लेते सबसे टॉप किस्में पे, तो सबसे टॉप पे आता है कुफरी देवा। यह 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है और इसका उत्पादन 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। तो किसान भाइयों ये था आलू की टॉप उन्नत किस्में जो कि इस वीडियो में हमने बताया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।